आज मेरे पढ़ाकू, आज मैं आपको सेमीकंडक्टर के पार्ट फोर की तरफ लेकर के चल रहा हूं। फोर है या फाइव ये कंफर्म नहीं है, लेकिन अगले पार्ट की तरफ ले जा रहा हूं। इस पार्ट को देखने और समझने के लिए आपको पिछले पार्ट देखने बहुत जरूरी है। यदि आप लोगों ने बेटा पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो हो सकता है आपको ये समझ में ना आए। दरअसल आज मैं आपको तरह तरह के सर्किट्स बनाने सिखाऊंगा, कॉमन बेस, कॉमन इमिटर मोड के, ट्रांजिस्टर एक्शन के, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के, कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स के। तो ये सर्किट्स की एक्सप्लेनेशन अगले वीडियोस में होगी, इनकी वर्किंग, इनके यूज, क्या फायदे हैं। मेरे बेटा हर सर्किट अपने आप में एक पूरा टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे बेटा मैं आपको बता चुका हूं पिछले वीडियो में कि ट्रांजिस्टर्स दो तरह के हैं, पीएनपी और एनपीएन। ये जो टी सा बना हुआ है ये बेस है, यहां पर हमारे पास है बेटा इमिटर और यहां पर है कलेक्टर। ये बेटा होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। और मैं आपको ये भी बोल चुका हूं कि बेटा इमिटर को हमेशा फॉरवर्ड बायस में रखा जाता है, कलेक्टर को रिवर्स बायस में रखा जाता है। अब आगे ये पीएनपी ट्रांजिस्टर हो गया। दूसरा बेटा हमारा ट्रांजिस्टर है एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर में ये बेस है, यहां पर इमिटर है, यहां पर कलेक्टर है। इमिटर बेस कलेक्टर, ये है एनपीएन। दोनों के सिंबल में बेटा क्या अंतर बताया था मैंने? दोनों के सिंबल में ये अंतर बताया था कि बेटा पीएनपी के अंदर एरो जाता है इमिटर से बेस की तरफ, और एनपीएन में एरो जाता है बेस से इमिटर की तरफ। और ये एरो और कुछ नहीं, करंट की डायरेक्शन बताता है। अब शुरू करें, मेरे बेटा सर्किट्स बनाने की तैयारी स्टार्ट हो रही है। उससे पहले मैं आपको एक चीज और सिखा दूं, पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट। आप जानते हो बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिवाइड हो जाती है, करंट सेम रहती है। एक बात बताओ, मेरे पास ये 10 वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट की बैटरी को यदि मैं किसी डिवाइस के साथ जोड़ दूं, चाहे वोल्ट मीटर के साथ या किसी के साथ जोड़ दूं, चल मैंने वोल्ट मीटर के साथ जोड़ दिया, इस वोल्ट मीटर के साथ जोड़ दूं, तो ये रीडिंग 10 वोल्ट ही देगा, क्योंकि सारा पोटेंशियल डिफरेंस इसे मिल रहा है। अब आगे सुनो, यदि मैं चाहता हूं कि इस बैटरी तो 10 वोल्ट की रहे, लेकिन मैं इसको कभी 1 वोल्ट दूं, कभी 2 वोल्ट दूं, कभी 5 वोल्ट दूं, तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं? मैं यहां मान लो उदाहरण के तौर पे मैंने 5 रेजिस्टेंस लगा दिए, 3, 4 और 5, पांचों बिल्कुल बराबर रेजिस्टेंस लगा दिए। यदि पांचों बराबर रेजिस्टेंस लगाए हैं तो पांचों में बराबर बराबर वोल्टेज डिवाइड हो जाएगी। 2 वोल्ट इसे मिलेगा, 2 वोल्ट इसे मिलेगा, 2 वोल्ट इसे मिलेगा, 2 वोल्ट इसे मिलेगा। अब जरा सोचना ध्यान से, ऊपर के जंक्शन को यहां जोड़ दूं और नीचे के जंक्शन को यहां पर टच कर दूं, तो मेरा वोल्ट मीटर 10 वोल्ट के पैरेलल में है या 2 वोल्ट के पैरेलल में है? तो जवाब है 2 वोल्ट के पैरेलल में है। तो इसलिए मेरे वोल्ट मीटर की रीडिंग आएगी 2 वोल्ट, इसे मिलेगी वोल्टेज 2 वोल्ट। यदि हम इस जंक्शन को खिसका के यहां ले आए तो अब रीडिंग, क्योंकि ये 4 वोल्ट के पैरेलल में है, तो अब इसको मिलेंगे 4 वोल्ट और ये रीडिंग शो करेगा 4 वोल्ट। इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा 4 वोल्ट। इस जंक्शन को जितना नीचे लाते रहोगे, जितना ज्यादा नीचे लाते रहोगे, उतनी ही हाई रीडिंग आएगी। आप समझ ही गए होंगे बेटा, अब ये 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस शो करेगा। तो ये तो हुई बेटा 2, 4 और 6। अब तब क्या होगा? यदि मैं यहां यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वायर लगा दूं, एक यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वायर लगा दूं पूरा, कोई डिवीजन नहीं, इसे आप इनफाइनाइट छोटे छोटे रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन कह सकते हो, और फिर मैं यहां लगा दूं एक स्लाइडर, ये स्लाइडर यहां होगा तो वोल्टेज की रीडिंग कम आएगी, वोल्ट मीटर की रीडिंग डाउन आएगी, इसे कम पोटेंशियल डिफरेंस मिलना है। और यदि मेरे बेटा मैं इस स्लाइडर को नीचे खिसका दूं तो वोल्ट मीटर की रीडिंग बढ़ जाएगी। जितना नीचे खिसकाऊंगा उतनी ज्यादा वोल्टेज इसको मिलेगी, क्योंकि उतना ज्यादा रेजिस्टेंस के पैरेलल में आ जाएगा, और ज्यादा रेजिस्टेंस के पैरेलल में आने का मतलब है ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस के पैरेलल में आना। इट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट। लेकिन एक बात और, इससे ज्यादा से ज्यादा आप 10 वोल्ट ही ले सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली क्या करोगे, आप इसे यहां तक ला सकते हो। जिस समय यहां लाओगे
तो एक दो और तीन, तीनों चीजें पैरेलल में होंगी, तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तब वोल्ट मीटर की रीडिंग 10। मतलब ये किसी भी हाल में बैटरी के ईएमएफ से ज्यादा रीडिंग हम नहीं ले सकते, उससे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस नहीं ले सकते। तो यदि मैं इसको बिल्कुल ऊपर टच कर देता हूं यहां पर, तो 0 वोल्ट, थोड़ा नीचे ला करके 1 वोल्ट, और नीचे ला के 2 वोल्ट, और सबसे नीचे ला के 10 वोल्ट। तो जितने भी वोल्ट की बैटरी है मैं इसे मनमर्जी के हिसाब से वेरिएबल वोल्टेज दे सकता हूं। तो ये क्या कहलाता है बेटा, पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट। तो तीन चीजें सिखाई, पहला ट्रांजिस्टर पीएनपी, दूसरा एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल, और तीसरा वेरिएबल वोल्टेज लेना एक बैटरी से। तो ये तीनों बातें आप लोगों को समझ में आ गई। अब बेटा सर्किट बड़े ध्यान से सुनना, मैं बार बार बता रहा हूं, ये सर्किट जो मैं पढ़ा रहा हूं इन पर बेस्ड 10-12 टॉपिक्स बनेंगे, और वो 10-12 टॉपिक्स अलग अलग सिखाए जाएंगे। तो जब मैं वो वीडियो बनाया करूंगा तो उसमें सर्किट्स को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सर्किट्स आप लोगों को मैं बता दूंगा कि भाई इस वीडियो में पड़े हुए हैं, आप इस वीडियो को देख लीजिए, सर्किट समझ में आ जाएंगे। तो ये जान है आगे के टॉपिक्स की, बिल्कुल बेस। चलिए शुरू करते हैं। मेरे बेटा पहला है एनपीएन कॉमन बेस मोड। मेरे बेटा अभी कॉमन बेस का मतलब भी बताऊंगा, एनपीएन कॉमन बेस मोड, उसके अंदर मेरे को बताना है ट्रांजिस्टर को एक्शन में लाना हो तो क्या करें, उसका यूज नहीं ले रहे, ट्रांजिस्टर को सिर्फ एक्शन में ला रहे तो क्या करें। दूसरा, यदि आपको ट्रांजिस्टर का एम्पलीफायर बनाना है, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर बनाना है तो क्या किया जाए। मेरे बेटा तीसरा बताऊंगा, यदि उससे कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स प्लॉट करने हैं, कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स वोल्टेज और करंट के ग्राफ को कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कर्व प्लॉट करने हैं तो क्या किया जाए, सर्किट में कैसे कैसे चेंज हुए जाए। ध्यान से देखिए मेरे बेटा, ये मेरा ट्रांजिस्टर है, दिस इज बेस, यहां पर है मेरे बेटा इमिटर, यहां है कलेक्टर, ये है एन पी एन। तभी तो मैंने कहा था बेटा एनपीएन ट्रांजिस्टर। यदि आप ट्रांजिस्टर को एक्शन में लाना चाहते हो कि इसके अंदर चार्जेस का फ्लो शुरू हो जाए, भले ही वो फ्लो मेरे काम आए या ना आए, तो आप क्या करें, इमिटर को फॉरवर्ड बायस करने के लिए एन को नेगेटिव से कनेक्ट कर दे और पी को पॉजिटिव से। तो एन नेगेटिव से जुड़ने के कारण इमिटर फॉरवर्ड बायस हो गया, और कलेक्टर को रिवर्स बायस में रखना है तो एन को पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्ट कर दीजिए। तो जैसे ही एन पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्ट होगा तो वो रिवर्स बायस में आ जाएगा, ऐसा जुड़ते के साथ ही सर्किट में करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। और वो कैसे होगा ये मैं पिछली वीडियो में ऑलरेडी समझा चुका हूं कि ट्रांजिस्टर एक्शन में करंट का फ्लो कैसे होता है। अब मेरे बेटा ये करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, तो ये एरो मुझे करंट की डायरेक्शन बताता है कि करंट इस डायरेक्शन में आएगी, यहां घूम करके दो हिस्सों में डिवाइड होगी और एक करंट इधर से चली जाएगी, दूसरी करंट इधर से चली जाएगी। इट इज कॉल्ड इमिटर करंट, इट इज कॉल्ड बेस करंट, इट इज कॉल्ड कलेक्टर करंट। तो ये इमिटर करंट, बेस करंट और कलेक्टर करंट है, ये तो सिर्फ ट्रांजिस्टर एक्शन का है। मेरे बेटा जो भी सर्किट बनाना हो आपको पहले ट्रांजिस्टर को एक्शन में लाना ही होगा। तो मैं अब आपको सिखाता हूं दोनों सर्किट्स के बारे में, ट्रांजिस्टर का एम्पलीफायर कैसे बनाया जाता है और ट्रांजिस्टर को, ये वही ट्रांजिस्टर है, बार बार नहीं लिख रहा कि ये मीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है, ये एन है, ये पी है, ये एन है, वो तो आप समझ ही गए तीनों एक ही बेस पर है। मेरे बेटा आप यदि ट्रांजिस्टर के एन को निगेटिव से जोड़ देते हैं तो इमिटर फॉरवर्ड हो जाता है, इमिटर को हमेशा फॉरवर्ड रखते हैं, और कलेक्टर के एन को यदि आप पॉजिटिव से जोड़ देते हैं तो ये रिवर्स बायस हो जाता है। तो बेटा ये ट्रांजिस्टर अब एक्शन में आ चुका है, तो एम्पलीफायर बनाने के लिए क्या करें, एम्पलीफायर बनाने के लिए यहां एक कट लगाइए जिसमें से इनपुट सिग्नल आएगा। इनपुट सिग्नल वो किसी भी चीज से आ सकता है, माइक से आ सकता है, मोबाइल का सिग्नल हो सकता है, कोई ऑडियो सिग्नल हो सकता है, कोई वीडियो सिग्नल हो सकता है, कोई भी सिग्नल यहां से आप इस सर्किट में पहुंचा दें। और आउटपुट में क्या करें बेटा, आउटपुट यहां से लिया जाएगा, ये कहलाते हैं दोनों आउटपुट टर्मिनल, और यहां लगा दें एक वेरिएबल रेजिस्टेंस जो आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए है, इस रेजिस्टेंस को बदल के आउटपुट को घटाया बढ़ाया जा सकता है।
बन गया एम्पलीफायर। एम्पलीफायर में बेटा एक इनपुट की जगह चाहिए और एक आउटपुट की जगह चाहिए। इनपुट जैसे उदाहरण के तौर पे साधारण माइक वाला सिस्टम है, तो यहाँ माइक के तार जोड़ देंगे और यहाँ स्पीकर के वायर जोड़ देंगे। अब स्पीकर में वॉल्यूम बदलनी है बेटा, एम्पलीफायर में कभी आपको ज्यादा वॉल्यूम चाहिए, कभी आपको कम वॉल्यूम चाहिए। यदि आपको स्पीकर में वॉल्यूम बदलनी है तो आप क्या करोगे, आप सिंपली इस RL को चेंज कर दो। कुछ बुक्स में इस बैटरी की वोल्टेज को चेंज करते हुए दिखाया गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आउटपुट दोनों पे डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है, क्या फॉर्मूला होता है, कैसे बदलेगा, क्या ग्राफ बनेगा, वो सब अगले वीडियो में। आज तो सर्किट बनाना सीखो। तो यदि आपसे कहें बेटा ट्रांजिस्टर का एम्पलीफायर बनाओ, इनपुट की जगह यहां पर तैयार कर दो और वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा के आउटपुट की जगह तैयार कर दीजिए। अब आता है बेटा कैरेक्टरिस्टिक कर्व। कैरेक्टरिस्टिक कर्व का मतलब है वोल्टेज और करंट्स के ग्राफ। तो मैं यदि चाहता हूं कि इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट का ग्राफ बनाऊं, आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट का ग्राफ बनाऊं, तो पहले ट्रांजिस्टर को एक्शन में लाना पड़ेगा। एक्शन में लाने के लिए जैसे इन सबको जोड़ा है एन और एन, ये पी, तो मेरे बेटा इमिटर के एन को निगेटिव करना पड़ेगा जिससे इमिटर फॉरवर्ड बायस हो जाए। कलेक्टर के एन को पॉजिटिव करना पड़ेगा जिससे कलेक्टर रिवर्स बायस हो जाए। इमिटर कैसा चाहिए हमें, फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर चाहिए रिवर्स बायस ऑलवेज। अब ग्राफ बनाने के लिए हमें बहुत सारी रीडिंग्स की जरूरत होती है। इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट का ग्राफ कहलाता है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट का ग्राफ कहलाता है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। अब कैरेक्टरिस्टिक कर्व के लिए डाटा चाहिएगा कि भाई 1 वोल्ट इनपुट पे कितनी करंट है, 2 वोल्ट इनपुट पे कितनी करंट है, 10 वोल्ट इनपुट पे कितनी करंट है। जब मेरे को डाटा मिल जाएगा तो मैं ग्राफ बना दूंगा। लेकिन उसके लिए इनपुट को चाहिए तो वेरिएबल वोल्टेज सप्लाई। तो वेरिएबल वोल्टेज मैंने जैसे सिखाया था, आप यहां कट लगाइए और एक रेजिस्टेंस लगा करके मूवेबल जंक्शन तैयार कर दीजिए। अब जंक्शन को ऊपर ले जाओगे, चौकी को ऊपर ले जाओगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस इनपुट वोल्टेज कम हो जाएगी, और जंक्शन को नीचे लाओगे तो बेटा इनपुट वोल्टेज बढ़ जाएगी। यही बात है आउटपुट ग्राफ। यदि आपको आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट का ग्राफ बनाना है तो बेटा आउटपुट वोल्टेज को वेरिएबल बनाना पड़ेगा। आउटपुट वोल्टेज को वेरिएबल बनाने के लिए यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा दीजिए और ये एक मूवेबल जंक्शन बना दीजिए जिसको ऊपर नीचे खिसकाएं। तो इस जंक्शन को ऊपर ले जाने का मतलब है आउटपुट वोल्टेज डाउन करना, और इस जंक्शन को नीचे ले जाने का मतलब है आउटपुट वोल्टेज बढ़ाना। अब आती है उन्हें मेजर करना। इनपुट वोल्टेज मेजर करने के लिए हम यहां पर एक वोल्ट मीटर लगाते हैं इसके पैरेलल में, और एक एमीटर लगाते हैं इसके सीरीज में। ठीक है बेटा, तो ये हमने एक वोल्ट मीटर लगाया है और एक एमीटर लगाया है। एमीटर हमेशा सीरीज में लगते हैं क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहती है, और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगते हैं क्योंकि वोल्टेज पैरेलल में सेम रहती है। उसी तरह से एक वोल्ट मीटर यहां लगा दीजिए और एक एमीटर यहां लगा दीजिए। ये कहलाती है इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट, ये आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट। फिर बेस का क्या है मेरे बेटा, दिस टर्मिनल लेफ्ट वाला टर्मिनल कहलाता है इनपुट टर्मिनल, राइट वाला टर्मिनल कहलाता है आउटपुट टर्मिनल, बीच वाला टर्मिनल जो इनपुट से भी जुड़ा है और आउटपुट से भी जुड़ा है वो कहलाता है कॉमन टर्मिनल। तो मेरे बेटा ये बेस इनपुट से भी कनेक्ट है, बेस आउटपुट से भी कनेक्ट है। अब यदि मेरे बेटा बेस इनपुट से भी कनेक्ट है और बेस आउटपुट से भी कनेक्ट है तो बेस कॉमन हो गया ना, तभी तो इसको कॉमन बेस मोड कहा गया है। यहां लिखा है ना कॉमन बेस, इसका मतलब बेस इनपुट से भी कनेक्ट और बेस आउटपुट से भी कनेक्ट। चाहे कोई सा भी सर्किट ले लो, बेस इनपुट से और आउटपुट से दोनों से जुड़ा हुआ है, बेस इनपुट और आउटपुट दोनों से जुड़ा हुआ है, तो बेस हो जाएगा कॉमन। तो कॉमन बेस का मतलब समझ गए कि बेस इनपुट और आउटपुट से दोनों से जुड़ा है। अच्छा अब एक बात बताओ, इनपुट क्या है, इमिटर। तो इनपुट करंट को कहते हैं आईई यानी इमिटर करंट, और आउटपुट है कलेक्टर, तो आउटपुट करंट को कहते हैं आईसी। आईई इनपुट करंट, आईसी आउटपुट करंट। अब इनपुट वोल्टेज कहलाता है वीईबी। क्यों, इनपुट जो है इमिटर और बेस से मिलकर बना हुआ है तो इनपुट कहलाता है वोल्टेज वीईबी, और आउटपुट वोल्टेज कहलाती है बेटा वीसीबी, क्योंकि जो हमारा आउटपुट है वो कलेक्टर और बेस का कॉम्बिनेशन है, कलेक्टर और बेस का पोटेंशियल डिफरेंस है वीसीबी। और देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर के बाद पीएनपी ट्रांजिस्टर के कॉमन बेस। बेटा यदि ध्यान से पूरी वीडियो को देखोगे तो आपको सर्किट बनाने बहुत आसान लगने लगेंगे, लास्ट वाला तो आप ही बना के दिखा दोगे। वो थे सारे एनपीएन ट्रांजिस्टर और बेस कॉमन था,
अब है पीएनपी ट्रांजिस्टर और बेस कॉमन है। ऑब्वियसली इसमें भी तीन बनेंगे। पहला बनेगा हमारा बेटा ट्रांजिस्टर एक्शन के सर्किट। यदि सिर्फ ट्रांजिस्टर को एक्शन में लाना है, उसमें करंट पैदा करनी है। दूसरा बनेगा हमारा बेटा ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का सर्किट। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का सर्किट बनाना हो तो क्या होगा, आप जरा उसमें और इसमें लिंक ढूंढना कि भाई कितना आसान है। और तीसरा बनेगा हमारा बेटा कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स का सर्किट, यानी ग्राफ बनाने के लिए कैसा सर्किट जोड़ा जाएगा। ट्रांजिस्टर पीएनपी लेना है तो पीएनपी लेना है, और कॉमन बेस लेना है। जो कॉमन लेना है वो नीचे बना दो, तो बेस कॉमन है तो बेस सब में नीचे बना दो। अब यदि बेस कॉमन है तो बेस को तो मैंने नीचे बना दिया, लेकिन अब बचे कौन से, इमिटर और कलेक्टर। इमिटर हमेशा लेफ्ट में बनाना, इनपुट आएगी, और कलेक्टर और राइट में बनाना क्योंकि आउटपुट जाएगी, आउटपुट हमेशा कलेक्टर से जाती है। तो यहां पर भी बेटा इमिटर और कलेक्टर, यहां भी इमिटर और कलेक्टर, ये देखा जाए तो अभी तो एक ही जैसे सर्किट है, इमिटर बेस और कलेक्टर, इमिटर बेस और कलेक्टर। पहला काम क्या है बेटा, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है ना, पी एन पी सारे ही पीएनपी ट्रांजिस्टर है, पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर। अब आप क्या करोगे बेटा, आप बैटरी से बायसिंग करोगे, बैटरी लगा करके चार्जेस को मोशन में लाओगे। तो इमिटर है पी, पी को जोड़ेंगे पॉजिटिव से जिससे ये फॉरवर्ड बायस हो जाए। कलेक्टर है पी, उसे निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ेंगे जिससे वो रिवर्स बायस हो जाए। बेटा पी को निगेटिव से जोड़ दो तो रिवर्स हो जाता है, और पी को पॉजिटिव से जोड़ दो तो फॉरवर्ड। इमिटर हमेशा फॉरवर्ड, कलेक्टर हमेशा रिवर्स, इन सर्किट की यही बात है। अब आइए कैरेक्टरिस्टिक कर्व दूसरे वाले का। मेरे बेटा इस दूसरे वाले में जिसमें ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर बनाना है, तो पहले आप इसे वही बना लीजिए, ट्रांजिस्टर को एक्शन में तो लाओ। तो इधर पी को पॉजिटिव से तो जोड़ो, और इधर पी को निगेटिव से तो जोड़ो जिससे कि फॉरवर्ड और रिवर्स बायस मिल जाए। तो लेकिन अभी तक ये एम्पलीफायर नहीं है, एम्पलीफायर बनाने के लिए यहां कट लगाओ जिसे कहते हैं इनपुट गैप, और वहां से सिग्नल भेज दो, और यहां पर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाओ जिससे कि वेरिएबल वोल्टेज को, आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल किया जा सके, और इसके पैरेलल में आउटपुट के टर्मिनल्स छोड़ दीजिए। बस बन गया एम्पलीफायर का सर्किट। अब कैरेक्टरिस्टिक कर्व बेटा, पहले चाहे कुछ भी बनाना हो आपको बायसिंग करनी पड़ेगी। तो मैंने पी को पॉजिटिव से जोड़ करके फॉरवर्ड बायस, और पी को निगेटिव से जोड़ करके रिवर्स बायस कर लिया है। तो जब आपने इधर फॉरवर्ड और इधर रिवर्स कर लिया तो ट्रांजिस्टर एक्शन में तो आ गया, लेकिन ग्राफ बनाने के लिए आपको वेरिएबल वोल्टेज देनी है। तो मैंने क्या सिखाया था बेटा, वेरिएबल वोल्टेज देने के लिए एक रेजिस्टेंस लगा दो और ये मूवेबल नॉब लगा दो। जितना ये नीचे जाएगा इमिटर और बेस को पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा मिलेगा। बिल्कुल याद करो जो मैंने यहां बताया था। इसी तरह से आउटपुट वोल्टेज को वेरिएबल बनाना है तो यहां पर रियोस्टेट और नॉब लगा दो, और ये भी वेरिएबल वोल्टेज हो गया। अब आपको इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज करंट सब मेजर करनी है, ये बता रहा हूं। तो यहां एक वोल्ट मीटर, याद रखना बेटा वोल्ट मीटर पैरेलल में लगते हैं और एमिटर सीरीज में लगते हैं। यहां पर एमिटर लगा दो तो ये है इनपुट और ये है आउटपुट। इनपुट वोल्टेज कहलाती है VEB, क्योंकि बेटा इमिटर और बेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। और आउटपुट वोल्टेज कहलाती है VCB, क्योंकि वो कलेक्टर और बेस का पोटेंशियल डिफरेंस है। इनपुट करंट कहलाती है बेटा IE, आउटपुट करंट कहलाती है IC, बेस की करंट कुछ नहीं कहलाती क्योंकि बेस ना इनपुट है ना आउटपुट है, बेस तो कॉमन है, इनपुट से भी जुड़ा हुआ, आउटपुट से भी जुड़ा हुआ। अब जा देखो, मैं भी देखता हूं कब तक समझ में नहीं आएगा बेटा, चैलेंज से कह रहा हूं भी आज पूरा पक्का करके जाओगे, बस ध्यान से सुनते रहना, मन लगा के समझते रहना। मेरे बेटा एनपीएन कॉमन इमिटर मोड, कॉमन इमिटर को सीई भी कहते हैं, कॉमन इमिटर मोड, सीई लिखा मिलेगा आपको, सीई का मतलब कॉमन इमिटर। जैसे कॉमन बेस था तो उसको कहते हैं सीबी, यानी कि कॉमन बेस, और इसे कहते हैं कॉमन इमिटर। अब नाम से ही क्लियर है इमिटर अब की बार इनपुट या आउटपुट नहीं होगा, इमिटर इनपुट भी नहीं होगा आउटपुट भी नहीं, वो इनपुट और आउटपुट में कॉमन होगा। तो फिर यदि इमिटर तो कॉमन हो गया तो फिर इनपुट कौन सा होगा, बेस, और आउटपुट क्या होगा बेटा, कलेक्टर। ये बात अपने दिमाग में बसा लो मेरे लाल, कलेक्टर कभी भी इनपुट नहीं बन सकता, कलेक्टर हमेशा आउटपुट बनेगा। यदि इनपुट इमिटर है तो कॉमन बेस है,
बेस इनपुट है तो इमिटर कॉमन है, लेकिन कलेक्टर ना कभी कॉमन होता कभी इनपुट भी नहीं होता। तो चलिए इसमें भी तीनों को रिवाइज करना शुरू करते हैं। पहला, ट्रांजिस्टर को एक्शन में कैसे लाया जाए, बड़े गौर से देखिएगा ट्रांजिस्टर को एक्शन में लाने का तरीका। दूसरे नंबर पर वही जो हर बार कर रहे हैं बेटा, ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर बनाने का तरीका, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह से कैसे सर्किट बनेगा। और तीसरा बेटा, कैरेक्टरिस्टिक कर्व का। सर्किट्स बेटा तब समझ में नहीं आते यदि आप भगा भगा के देखोगे। वीडियोस ये भगा के देखने वाले नहीं होते, ये वीडियोस समझने वाले होते हैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व का। चलिए, यदि आपको इमिटर कॉमन लेना है तो बेस का इनपुट बना दो, बेस ये जो टी की शेप में है बेस का इनपुट बना दो, और इमिटर कॉमन लेना है तो इमिटर को नीचे ले लो। एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो ये मैंने एरो बेस से इमिटर बना दिया, और ये कलेक्टर तो जो कॉमन लेना है वो तो नीचे, जो इनपुट है वो लेफ्ट यानी कि बेस लेफ्ट, कलेक्टर राइट आउटपुट है, और कॉमन है इमिटर वो नीचे। तो तीनों का मेन सर्किट तैयार कर देता हूं बेटा, ये बेस, ये कलेक्टर और ये इमिटर, एनपीएन है बेस कलेक्टर और इमिटर। चलिए यहां तक समझ में आ गया। एनपीएन का मतलब क्या है, इमिटर है एन, बेस है पी, कलेक्टर है एन। इमिटर है एन, बेस है पी, कलेक्टर है एन, इमिटर एन बेस पी कलेक्टर एन। बायसिंग, मेरे मालक इमिटर इनपुट सर्किट में इमिटर हमेशा फॉरवर्ड बायस में रहता है, तो इमिटर को फॉरवर्ड बायस बनाने के लिए एन को निगेटिव से जोड़ना और P को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जोड़ना। यदि आप N को नेगेटिव और P को पॉजिटिव से जोड़ देते हैं तो ये फॉरवर्ड बायस सर्किट हो गया, तो इमिटर फॉरवर्ड बायस में हो गया। अब कलेक्टर को देखो, कलेक्टर हमेशा रिवर्स बायस में होता है, तो कलेक्टर है N, तो उसे पॉजिटिव से जोड़ करके हम रिवर्स बायस में कर देंगे, बन गया ट्रांजिस्टर एक्शन का सर्किट। इस समय इसके अंदर चार्जेस का फ्लो शुरू हो जाएगा। तुम्हारे को अपने दिमाग में सिर्फ दो बातें दोहरानी है कि बेटा जब भी आप सर्किट बनाओ एक बात का ध्यान रखो कि बेटा जो कॉमन है वो नीचे। अब इमिटर तुम बताओ इनपुट है या आउटपुट, तो जवाब है इनपुट तो है बेस, आउटपुट है कलेक्टर। इमिटर क्या है, वो इनपुट से भी जुड़ा हुआ है और आउटपुट से भी जुड़ा हुआ है, तो इमिटर कॉमन है ना, वो इनपुट है ना आउटपुट है, तो बन गया कॉमन इमिटर। अच्छा, करंट की डायरेक्शन, ये एरो मुझे करंट की डायरेक्शन बताता है मेरे बेटा, ये एरो मुझे करंट की डायरेक्शन बताता है। तो इस डायरेक्शन में करंट आएगी, यहां से थोड़ी इधर जाएगी, थोड़ी इधर जाएगी, और ये करंट ऊपर चली जाएगी घूम के, और ये करंट भी ऊपर चली जाएगी घूम के। तो ये सर्किट तो अभी सिर्फ ट्रांजिस्टर इन एक्शन है। अब यहां पर मैं वही वाला सर्किट दोबारा बना रहा हूं, दो बार पहले ही बना देता हूं। जैसा सर्किट यहां बैटरी जोड़ी वैसी ही यहां जोड़ दी, ये बैटरी इधर है और ये बैटरी इधर, टर्मिनल आप पहचान चुके, और इसमें भी वैसे ही कनेक्शन कर दिया। फिर मैं बताता हूं चेंजेस क्या किए जाते हैं है? तो मेरे बेटा अब तो समझ में आने लग रहा होगा, सर्किट बनाना तो सीख लिया होगा। ये अभी तक क्या ये एम्पलीफायर है ना जी, ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व का सर्किट है, बिल्कुल नहीं। अभी तो ये ट्रांजिस्टर काम कर रहे हैं, इनमें चार्जेस का फ्लो हो रहा है। अब यदि आपको एम्पलीफायर बनाना है तो क्या सिखाया कि एक इनपुट के लिए जगह खाली छोड़ दीजिए, ये कहलाएंगे इनपुट टर्मिनल, यहां पर लगाइए एक वेरिएबल रेजिस्टेंस और आउटपुट टर्मिनल छोड़ दीजिए, खत्म। यहां क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक कर्व में वेरिएबल सप्लाई देनी पड़ती है, तो यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा करके मूवेबल जंक्शन तैयार कर दीजिए और बन गया वेरिएबल वोल्टेज। इसी तरह से यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा करके यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस और जंक्शन लगा दीजिए, अब ये बन गया वेरिएबल वोल्टेज। अब ग्राफ बनाने के लिए बिना, अब तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूं क्यों, आप समझ तो चुके ही हैं। ग्राफ बनाने के लिए वोल्टेज और करंट को मेजर करना पड़ेगा, तो यहां पर लगाइए एक पैरेलल में वोल्ट मीटर और यहां भी एक पैरेलल में वोल्ट मीटर, इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज। एक यहां पर लगाइए एमीटर और एक यहां लगाइए एमीटर, इनपुट करंट और आउटपुट करंट। कॉमन टर्मिनल पे ना कोई एमीटर लगता ना कुछ लगता, कॉमन वाला ना इनपुट है ना आउटपुट। अब इनपुट वोल्टेज को कहते हैं वीईबी और आउटपुट वोल्टेज को कहते हैं VCE। क्यों, इनपुट इमिटर और बेस का पोटेंशियल डिफरेंस है और आउटपुट कलेक्टर और इमिटर का, तो जो कलेक्टर और इमिटर का पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें VCE, जो इमिटर और बेस का पोटेंशियल डिफरेंस है वो VEB। अब इनपुट करंट कौन सी है, बेस करंट, आउटपुट करंट कौन सी है, कलेक्टर करंट। तो ये इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज, इनपुट करंट और आउटपुट करंट, इमिटर का कुछ नहीं।
अब आखिरी सर्किट बताने जा रहा हूं, उसके बाद आज की वीडियो रुक जाएगी। अगले वीडियो में बेटा एम्पलीफायर्स पढ़ाऊंगा पूरी डीपली। यदि आपको सीखना है तो सीक्वेंस में देखते हुए चले आना। अब आता है बेटा पीएनपी कॉमन इमिटर, पीएनपी कॉमन इमिटर का सर्किट, कॉमन इमिटर का सर्किट। ये है कॉमन इमिटर मोड। अब तो मेरे सलाह दू, आप बताते रहो आगे आगे, सोचते रहो आगे आगे। ट्रांजिस्टर एक्शन में लाना हो तो उसका सर्किट, दूसरा ट्रांजिस्टर का एम्पलीफायर बनाना हो, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर बनाना हो तो उसका सर्किट, और तीसरे नंबर पर यदि आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स बनाने हैं, कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स बनाने हैं तो उसका सर्किट कैसा होगा। सबसे पहले पीएनपी ट्रांजिस्टर कॉमन इमिटर मोड समझ गए होंगे, बेस से इनपुट आएगा। यदि आप हर पार्ट को ध्यान से सुनने में आ रहे हो तो आपको पता होगा इमिटर कॉमन है तो मेरे बेटा नीचे की तरफ लिया जाएगा इमिटर, और कलेक्टर को लिया जाएगा आउटपुट की तरह से, यानी राइट साइड में। तो मैं लगातार तीन केस बना करके चल देता हूं और ये लगभग समझ लो आखिरी केस चल रहे हैं। वीडियो बिल्कुल भगाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर मेरे से मत कहना कि सर समझ में नहीं आया। ये वीडियोस कंटिन्यूटी की बहुत जरूरत होती है। तीनों में इमिटर बेस कलेक्टर लिख नहीं रहा हूं। ये है पीएनपी, यानी पीएनपी एरो का साइन इमिटर से बेस की तरफ, इमिटर है पी, बेस है एन, कलेक्टर है पी। सब में नहीं लिख रहा, बस एक में लिख दिया। इमिटर को फॉरवर्ड बायस करने के लिए पी को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है और ये सर्किट एन को निगेटिव से जोड़ा गया है, बन गया फॉरवर्ड बायस। कलेक्टर को रिवर्स करने के लिए पी को निगेटिव टर्मिनल से अटैच किया गया है बैटरी के और जोड़ दिया गया। अब बेटा ये सर्किट तैयार हो चुका है मेरा ट्रांजिस्टर एक्शन के लिए। करंट इस एरो से यदि करंट आए तो कुछ करंट यहां जाएगी, कुछ इधर। बेटा यहां की करंट थोड़ी इधर चली गई और यहां की करंट थोड़ी इधर चली गई, तो ये करंट्स बन चुकी हैं और ये वाली करंट बन चुकी है। अब क्या होगा यहां पर आइए बेटा। पहले एक काम अब तक सीख चुके होंगे कि पहले ट्रांजिस्टर को एक्शन में तो ले ही आओ, क्योंकि ट्रांजिस्टर एक्शन में आएगा तभी उससे कोई काम उठाया जा सकता है। तो मैं ट्रांजिस्टर एक्शन के लिए मैंने ऊपर वाले ही कनेक्शन बैटरी के कर दिए है बेटा, और नीचे वाले जो है सर्किट में बैटरी समझा नहीं रहा, वो तो मैंने बता दिया। ये मेरे पास हो गए बेटा कनेक्शन कॉमन। इस समय ना कोई एम्पलीफायर है, ना कोई कैरेक्टरिस्टिक कर्व का सर्किट है, सारे में ट्रांजिस्टर एक्शन में है। अब यदि आपने इनपुट वोल्टेज आने की, इनपुट सिग्नल आने की जगह छोड़ दी, वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया और आउटपुट सिग्नल निकलने की जगह छोड़ दी, तो ये है ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का सर्किट। यदि यहां कट लगा करके वेरिएबल वोल्टेज सप्लाई दे दी, मेरे बेटा यहां कट लगा के वेरिएबल वोल्टेज सप्लाई दे दी, यहां कट लगा करके वेरिएबल वोल्टेज सप्लाई दे दी, तो ये बन गया वेरिएबल सप्लाई का सर्किट। फिर वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगते हैं वोल्टेज नापने के लिए, तो ये है बेटा वोल्ट मीटर्स, इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज। यहां लगेंगे एमीटर्स, इनपुट करंट आउटपुट करंट। तो मेरे बेटा ये तो आप लोगों ने समझ लिया कि किस तरह से हमारे सर्किट्स तैयार होते हैं। अब क्या, अब इससे आगे क्या बेटा, नॉमिनेशन क्या रखूं? ये कहलाएगा वीईबी और ये कहलाएगा वीसीई। ईबी क्योंकि इमिटर और बेस का पोटेंशियल डिफरेंस है, सीई क्योंकि कलेक्टर और इमिटर का पोटेंशियल डिफरेंस है। इनपुट करंट है बेटा बेस करंट, आउटपुट करंट है कलेक्टर करंट। तो सर्किट आप इन्हें दो तीन बार रिवाइज करिए, तभी मैंने वीडियो बना के डाली है। और इस चैप्टर को पूरा डीपली डिटेल में बेसिक से शुरू करूंगा, एंड में लास्ट में टिपिकल मोस्ट टिपिकल तक लेकर के जाऊंगा। तो फिलहाल कहने का समय आ गया है मेरे बेटा, बाय बाय मेरे पढ़ाकू। पढ़ाकू किस लिए, एंड तक देखा इसलिए।